हमारे बहुत सारे साथी इस चीज में काफी कोर्सेज किए बट थे बिकॉज़ वो अपने में थे, परवीन जी. परवीन जी, आपका तो ये जैसा इशू आ रहा नमस्कार प्रवीण जी जैसे पुराने टीवी पे नहीं आता था वो झिलमिल जेब एरिया एलटीरिया खराब हो जाता था वो झिलमिल आती थी आपका टीवी वैसा आ रहा है आज राइट राइट मैं, और मैं, काफी सारे काफी अच्छा। काफी सारे हमारे साथी गण जो कंटिन्यूसली हमारे साथ काफी सारे कोर्सेज कर रहे हैं और उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद आज की कक्षा में ज्वाइन करने के लिए ओह शिल्पी गुप्ता जी है, है? वा, भी है शिल्पी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है क्या बात है अरे वाह हमारी भी है क्या बात है दिख जाते हो नाम नाम बदल के आ रहा था, दिख जाते हो आप पकड़े जाते हो आप <laughs> कोई बात नहीं <laughs> सर आई एम हैप्पी टू जॉइन गुड टू सी यू गुड टू सी यू ग्रेट थैंक यू धन्यवाद शिल्पी जी चलिए आई थिंक I know all of you already. So there is no much, no much requirement to do introduction session. Let's start the prayer, and they will proceed for today's class. चलिए, अपने गुरु की वंदना करते हैं आप साथ में गायत्री मंद का पाठ करेंगे गुरु की वंदना करेंगे सब लोग अपने अपने गुरु की वंदना करेंगे गायती सब लोग अपने अपने माइक ऑडियो वीडियो ऑन करेंगे गुरु की वंदना स्टार्ट करेंगे एक गिलास पानी का जरूर अपने साथ रखेंगे ताकि गुरु की वंदना गायत्री मंत्र करने के बाद पानी का गिलास जरूर पियेंगे गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुसाक्षा परस्गु नो भूर्भव स्वाम सुरुण्य दे नहीं दियो यो दिया। दिया। हे प्रभु परम पिता परमेश्वर हे कुल देवी देवी देवता देवता कुल और जय फामा की अनर्जी पितृ देव आपकी सदाई जय जयकार हो प्रभु आपके आशीर्वाद से हम सब लोग यहाँ समय विराजमान हुए हैं देवी विद्योग ग्रहण करने के लिए कृपया आशीर्वाद दीजिए हम सब लोग दैवी विद्योग ग्रहण करें अपने लिए परिवार के समस्त संसार के लिए इसका उचित उपयोग करें हम सब लोग सुखी रहें स्वस्थ रहें कोरोना से मुक्त रहें सक्सेस हैप्पीनेस है हम सब लोगों के चार दिशा चार विदिशा बत्तीस द्वार पैंतालीस देवता ग्रह बारह राशि बारह भाव सत्ताईस नक्षत्र अभिजीत नक्षत्र में सकारात्मक ऊर्जा वास करें नकारात्मक ऊर्जा को नाश हो प्रभु हम सबको आशीर्वाद दीजिए हम सब लोगों के मन मस्ती घर परिवार में सकारात्मक ऊर्जा वास करें प्रभु धन्यवाद थैंक यू ग्रेटिट्यूड आज सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू थैंक यू थैंक यू

जी धन्यवाद अगर आपको इंतरा पता तो हमारे लिए इंतरा काफी है इतना ही हमें चाहिए था चलिए थोड़ा सा पहले जनरल बातें कर लेते हैं आज की क्लास वैसे भी हल्की क्लास रखेंगे हम थोड़ी जनरल बातें कर लेते हैं पहले नाड़ी में हम हम क्या करेंगे सब ने काफी मतलब आई एम वेरी श्योर कि यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं उन्होंने सबको वैदिक ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट वैदिक का थोड़ा ज्ञान है ही वैदिक पढ़ा उन्होंने तो हम वैदिक के अंदर देखो जितनी भी प्रदृतिज है ना सारी उसकी मदर माता जो है वैदिक है वैदिक के ऊपर ही वो सारी इमारतें खड़ी हैं वैदिक के अंदर हम जब पढ़ते हैं काफी चीजें उसमें कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसको कि हम सटीकता से नहीं लगा पाते और नहीं देख पाते जो हम बिगरणती में कवर करेंगे राइट सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू इफ यू कैन प्लीज कीप योर वीडियोस ऑन थैंक यू तो हम उनको लगाएंगे कुछ रूल्स होते हैं बिगरणती के अपने समय समय पे हम करेंगे बहुत ही बेसिक रूल स्टार्ट करेंगे उसके साथ हम कोशिश करेंगे ये जानने की ट्रांसिट का रूल कैसे लगाया जाता है उसके साथ शायद अगर समय मिला तो हम प्रोग्रेशन का रूल लगाने की कोशिश करेंगे इसके कारक तत्व सर मुझे फीवर ओके okay, दीपिका जी इसके साथ हम इसके कारक तत्व जो होते हैं उसको हम बाद में देखेंगे सेकंड क्लास में देखेंगे राइट right. तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं सबसे पहले तो ये समझते हैं कि बिगड़ी नाड़ी नाड़ी ज्योतिष के बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं पहले एक तो देन वी प्रोसीड टू दी सब्जेक्ट थोड़ा हम जान लेते हैं कि नाड़ी ज्योतिष क्या चीज है कैसे काम करती है नाड़ी ज्योतिष नाड़ी एक बहुत ही जैसे डॉक्टर देखता है नाड़ी की परीक्षा करता है यानी कि हमारे नशों की परीक्षा करता है नशों का एनालिसिस करता है, उससे हमारे बिना टेस्ट के बिना किसी जांच पड़ताल के हमारी बीमारी को फाइंड आउट करने में सक्षम होता है वो डॉक्टर जो है नाड़ी बेसिकली जो हमारी वेन्स होती है उसका डॉक्टर माना गया इसी प्रकार नाड़ी को अगर हम रिलेट करें इस नाड़ी में ऐसा डॉक्टर और नजर में ऐसा एस्ट्रोलॉजर जो कि ग्रह की, की स्थिति के अनुसार ये बता सके कि जीवन में क्या चीजें घट सकती हैं और क्या घटना कर सकती है उसकी एक विंडोज क्रिएट हो जाए और वो क्लैरिटी आ जाए जितनी चीजें हमारे पास उपलब्ध हो उन उपलब्ध चीजों के बेस के ऊपर अगर कोई चीजें कोई फलित हो सकता है तो नाड़ी ज्योतिष में सबसे आसान तरीका हो सकता है क्योंकि नाड़ी ज्योतिष बहुत ज्यादा डिटेलिंग के लिए नक्षत्र या अंशों के माध्यम तक जानने की जगह पे सिर्फ ऊपर से प्लैनेट के कॉम्बिनेशन से की जा सकती है इसका मतलब ये है कि इसमें नक्षत्रों अंशों का कोई महत्व नहीं है ऐसा नहीं है नाड़ी ज्योतिष के अंदर अंशों का और नक्षत्रों का बहुत महत्व है भृगुन्दी भिग्रु ऋषि जो हुए हैं उन्होंने नाड़ी ज्योतिष की जो रचना करी है नाड़ी संहिता की जो रचना करी है उस संहिता के अंदर उन्होंने ये दर्शाया है इस धरती पे जितनी भी जीव आत्माएं जन्म लेती हैं उनकी कुंडलियां उन्होंने सबकी दर्जित कर रखी है पहले से ही बना के इसलिए भेघु संहिता का बहुत बड़ा अत्यंत इसका इंपॉर्टेंस है द रीजन इज दैट उन्होंने राशि भाव नक्षत्र नव ग्रह और उनके अंशों के माध्यम से बनने वाली हजारों सैकड़ों लाखों अरबों कुंडली जो बन सकती हैं वो उसके माध्यम से बना के ऑलरेडी दर्जित कर रखी हैं इसलिए भिगु संहिता के अंदर हर प्रकार के जीव की इसके अंदर आ जाती है। और इसलिए इस कोशिश करेंगे कि जो प्लैनेट है वो अपने कॉम्बिनेशन कैसे क्रिएट करते हैं और उससे क्या फल उत्पन्न होते हैं और उसे हम कैसे अपनी फलित कर सकते हैं इसके ऊपर हम बात करेंगे बेगुरु संहिता के अलावा एक जो थोड़ा सा विषय मैं बताऊंगा एक अगस्त्य ऋषि जो अगस्त्य नाड़ी जिसको बोला गया है अगस्त्य नाड़ी अगस्त्य नाड़ी भी एक बहुत ही प्रचलित विधि है जो हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है बट आपकी जानकारी के लिए आपको पता होना चाहिए इसलिए मैं टच कर रहा हूं कि अगस्त्य नाड़ी अगस्त अगस्त्य ऋषि के बेस के ऊपर ही अगस्त नाड़ी भी हुई है अगस्त्य नाड़ी जो हाथ के अंगूठे से करने वाली ज्योतिष है हाथ के अंगूठे से जो निशान या हाथ के अंगूठे से प्रमुख लक्षणों के आधार पे बनाई जाती है जन्म कुंडली और उस जन्म कुंडली के आधार पे उसका विश्लेषण किया जाता है वो अगस्त्य नाड़ी की एक प्रमुख ज्योतिष गणना है काफी लोगों ने देखा होगा कि अगस्त्य ऐसी गणना को साउथ इंडिया में बहुत प्रचलित तौर पे देखा जाता है कि अंगूठे से ज्योतिष करते हैं वो साउथ इंडिया में काफी लोगों ने सुना होगा देखा होगा और समझा भी होगा अगस्त्य नाड़ी बहुत ही प्रचलित विधि है साउथ इंडिया की और भिगुण्डी नाड़ी बहुत ही प्रचलित विधि है उत्तर भारत की तो ये दोनों विधि अपने आप में अपने, अपने तरफ काम करती है बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये साउथ इंडिया की तरफ इफ यू गो डीप इन साउथ तो एक शहर आता है जिसको श्रीलंका बोलते हैं जो नॉर्मली हमारे वेदों में प्राणों में और हमारे साहित्य में रावण के नाम से प्रसिद्ध रहता है तो एक रावण संहिता के नाम से भी प्रसिद्ध ज्योतिष हुई है जिसको हम इंडियंस ज्यादा यूज नहीं करते बिकॉज ऑफ नोन फैक्ट के सबसे उस समय के one of the best रहे हैं वन ऑफ द इम्पोर्ट ज्ञानी रहे हैं वेदों के जिनके पास युद्ध युद्धा की कला के अलावा प्राकृिक साहसी के अलावा वो महाविज्ञानिक थे जिनके पास हर प्रकार की नाड़ी विज्ञान औषधि विज्ञान रसायन विज्ञान इन प्रकार की ज्ञान अच्छा था उनको दसों दिशाओं का भरपूर ज्ञान था दसो दिशा कौन सी है आठ दिशा सबको पता है उसके अलावा एक आकाश और एक पताल ये दस दिशाएं होती हैं आकाश पताल को मिला के आठ दिशा को मिला के दिशा आठ होती है सोलह दिशाएं नहीं होती कोई वास्तु से लेट करना चाहे दिशा सोलह नहीं होती सोलह जोन होते हैं दिशा आठ होती है चार मेन डायरेक्शन चार सब डिविजनल डायरेक्शन So, उसके पास रावण के पास दस की दस दिशाओं का भरपूर ज्ञान था इसलिए रावण को एक रावण संहिता के नाम से जाना गया है और रावण संहिता का जो उल्लेख किया गया रावण मंदोदरी जो की धर्मपत्नी थी उनके संवाद और रावण मेघनाथ के संवाद के रूप में दर्ज किया गया है रावण थोड़ा सा टच करेंगे क्योंकि हमारा विषय नहीं है थोड़ा हमें जानकारी होनी चाहिए थोड़ी सी उसकी परफेक्टिव से टच करेंगे रावण को माना गया कि रावण जो थे महर्षि सत, सत्य के पुत्र ऋषि हाँ। के पोत्र थे पोत्र मतलब पोते थे और महर्षि विश्वा के पुत्र थे अब ये दोनों ब्राह्मण थे तो उनका राक्षस कुल में कैसे हुआ उनकी माता जो थी वो राक्षस माता का केकसी, केकसी. गए और वो राक्षस जाति के माने गए जबकि उनके पिता ब्राह्मण थे और उनके जो परिवार था पेरेंटल फादर पेरेंट साइड से वो ब्राह्मण था लेकिन उनके पास ज्ञान भरपूर था उसका क्या कारण हुआ क्यों पता हुआ वो सब आपको पता है यू ऑल नो वी आर नॉट गेटिंग टू इट बट द सेम टाइम वी वुड लाइक टू से कुबेर उनके सुतेले भाई थे और कुबेर को अलकापुरी का शासक प्रदान हुआ उत्तर में और कुबेर जो है देवताओं के धन कौशक भी थे यानी कि धन रक्षक भी उनके माने गए हैं कुबेर तो एट दस इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि रावण संहिता बहुत ही इंपॉर्टेंट संहिता है कभी जीवन में मिले तो जरूर उसको पढ़ना चाहिए क्योंकि इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट संहिता अब ये बात कैसे हुआ कि उनको ये कैसे लगा कि भाई I'm back. I'm audible to you. I'm Anji, audible. सर। हाँ जी सर Right. Thank you. Thank you. Uh, मेरा light चला गया उसके से मेरा wifi disconnect हो गया. Okay. So, right. हम बात करते हैं रावण की. रावण की uh, हमने बात किया रावण राष्ट्रीय शोरण पे कैसे गए ये हमने बात किया. इसके साथ हमें तो ये पता है कि रावण ने सारे के, के नौ के नौ ग्रहों को अपना बंदी बना रखा था ये बात हमें स्टोरी को पता है अब ये हुआ कैसे था रावण के दादा दादा जो थे जो थे उनको ये बात ज्ञात हुई उनको कि रावण जो है राम के द्वारा पराजित होंगे और मारे जाएंगे जब उनको ये बात पता चली तो उन्होंने कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिसकी वजह से उनका जन्म जो है बहुत देरी से हुआ मुश्किल से हुआ ठीक है और आ, राम के पिता राजा दशरथ उनका उनके काफी मतलब उनकी काफी उम्र में इनका जन्म हुआ था ये बात भी हम सबको पता है उन्होंने कुछ ऐसा किया कि उनके जो शुक्राणु होते हैं उसका कनेक्ट नहीं बन पाए ताकि उनका जन्म नहीं हो पाए जल्दी से तो तीन उनकी धर्मपति थी उन तीनों के साथ कनेक्ट करके काफी लेट उनका जन्म हुआ बट एट द लेट उनका हुआ जो कि रीत थी अब रावण की शादी मंदोदरी से होनी तय जब हुई थी तो ये राम बोला गया कि इस लड़की से शादी नहीं रहे आप ये उनके पिता ये उनके पिता या जो परदादा थे उन्होंने उनको बताया उनके दादा ने उनको बताया क्यों ऐसा बोला गया क्योंकि मंदोदरी के मंदोदरी जो है मांगलिक थी और उसमें मंगल दोष आ रहा था तो उनको मना किया गया ऐसा बताया जाता है रावण ने पूछा था कि क्या मंदोदरी में मंगल दोष के अलावा और कोई अब दोष है तो उनको बताया गया कि इसमें इस, इस दोष के अलावा और कोई दोष नहीं है बाकी रूप से आपके लिए ये परिपूर्ण है आपके लिए ठीक है रावण ने बोला मंगल को तो मैं देख लूंगा बाकी सब मैं देख लूंगा और ये ऑल ऑफ यू नो डेट रावण ने नौ नौक के नौ ग्रहों के अपना बंदी बना लिया तो रावण ने इस तरीके से नौ नौक के नौ ग्रह धीरे धीरे करके अपने बंदी बना लिए देवताओं ने इस बात को जब देखा कि इस तरीके से एक्टिविटी हुई है और रावण के जो पुत्र थे मेघनाथ उनके तब के बल से वो आजीवित रहने की या अपना जो एक्टिविटी कर रहे थे क्यों वो जीवन भर रहेंगे कभी भी पराजित नहीं होंगे और मरेंगे नहीं इससे देवता घबरा गए इससे देवता जब घबराए तो उन्होंने नौ के नौ घर को विनती करी कि आप कुछ ऐसा जाल बुने ताकि ये एक्टिविटी विफल हो जाए और जीवित नहीं रहे सारे ग्रहों ने मना कर दिया कि हम रावण के बंधी है हम ये एक्टिविटी नहीं कर सकते किसी प्रकार से शनि को उन्होंने फुसला लिया और शनि को बुला लिया मना लिया कि आप ये एक्टिव करें शनि ने कहा कर तो मैं भी नहीं सकता मैं इतना कर सकता हूं आपकी रिक्वेस्ट में कि मैं बारहवें घर में अपनी एक टांग घुसा देता हूं तो शनि ने अपनी एक लात जो है बारहवें घर में घुसा दी और जब रावण को यह पता चला कि शनि ने यह हरकत करी है रावण ने उनकी टांग तोड़ दी अब आपको ये बात सबको पता है कि शनि जो है लंगड़ाते हैं ये बात सबको पता है तब से शनि जो है शनि शनि के नाम से पहचाने जाने लगे गए ठीक है तो शनि की टांग जो है एक टूटी और वो बारहवें घर में बट चले गए अब जब घिराव का अपना चक्कर चलता है तो बारहवा घर जो आता है वो मोश कह जाता है तो इस प्रकार जब वो ग्रह के चक्कर चलने शुरू हुए ग्रह का गोचर आना शुरू हुआ और ग्रह जब बदलने शुरू हुए तो वो समय आया जब मेघनाथ के ऊपर से गोचर आए शनि के तो मेघनाथ का नाश हुआ मेघनाथ पराजित तो हुए बने अब रावण के साथ क्या प्रॉब्लम हुई रावण को पहले बोला था जो मंदोदरी है वो आपके लिए आपके मंगल के लिए ठीक नहीं है क्योंकि वो मांगलिक है अब आपको सबको पता हनुमान जी ही रावण के कारक बने थे ये बात भी आप सबको पता है तो वह मंगल मंगल जो है उन्होंने भले ही मंगल ग्रह को बंदी बना लिया लेकिन हनुमान जी मंगल ग्रह को रिप्रेजेंट करते हैं वैसे भी तो उन वो मंगल की ही रूप में आए इस प्रकार और फिर रावण वहां से पराजित हुआ बट कहने का तात्पर्य था कि रावण संहिता एक ऐसी संहिता है जिसके अंदर बहुत कुछ उल्लेख किया गया इन सब चीजों पर और काफी महत्वपूर्ण साहित्य है ये भी ऐसा भी माना गया कि रावण की कुंडली भगवान श्री राम की कुंडली करीब करीब एक सी ही थी जितने उच्च ग्रह रावण की कुंडली में थे भगवान उतने ही उच्च ग्रह राम भगवान राम की कुंडली में थे भगवान राम की कर्क लगन की कुंडली है सबको पता होगा देखी होगी आप लोगों ने नहीं तो मैं किस टाइम दिखा दूंगा भगवान राम की कर्क लगन की कुंडली है जिसमें गुरु और चंद्रमा लगन में ही बैठे हैं गुरु कर्क में गुरु उच्च के और चंद्रमा साथ में तो ये गज कैसी युग हुआ वो भी लगन में बैठे थे रावण की कुंडली जो है Uh, कुछ लोग सिंह लगन की मानते हैं कुछ लोग धनु लगन की मानते हैं बट कुछ ऐसे विद्वान हुए जिन्होंने धनु लगन पे फोकस किया तो धनु लगन की कुंडली मानते हैं एट द सेम टाइम माना जाता है कि रावण की कुंडली और जितने उच्च के ग्रह हैं उतने ही भगवान राम की कुंडली में उच्चे ग्रह थे तो लेकिन फर्क क्या था कि आ, उनकी आ, जो शनि जो है शनि ने अपनी चाल बदली थी जिसकी वजह से रावण का नुकसान हुआ और वो काल आया अभी चलते हैं नाड़ी के नाड़ी शास्त्र के ऊपर नाड़ी के शास्त्र में ऐसा बोला गया कि नाड़ी के करीब बहत्तर शास्त्र नाड़ी नाड़ी शास्त्र बहत्तर कई बार तिहत्तर माना गया कई सत्तर माना गया बट प्रमुख रूप से जो उपलब्ध माने गए हैं वो करीब दस बारह ही नाड़ी शास्त्र है जो उपलब्ध माने गए उसमें से भी प्रमुख नाड़ी शास्त्र भिगु नंदी नाड़ी है जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इसके अलावा अगस्त्य नाड़ी मार्कंड नाड़ी नंदी नाड़ी या बिघु नाड़ी जिसको हम बोलते हैं ठीक है सूर्य नाड़ी शुक्र नाड़ी कुंज या मंगल नाड़ी शनि नाड़ी बुद्ध नाड़ी गुरु नाड़ी चंद्रकला नाड़ी ध्रुव नाड़ी ऋषि नाड़ी ऋषि नाड़ी बहुत इंपॉर्टेंट नाड़ी है एक जैमनी नाड़ी कम आ, कमला मुनि नाड़ी गर्ग नाड़ी कपिला मुनि हो है कपिला मुनि नाड़ी काक नाड़ी ईश्वर नाड़ी कुमार नाड़ी ये कुछ नाड़ियां जो है और हुई है जिसके अंदर प्रमुख रूप से सप्तृषि नाड़ी मानी है सप्तऋषि नाड़ी इंपॉर्टेंट मानी जाती है ध्रुव नाड़ी इंपॉर्टेंट मानी जाती है ये नाड़ियां कुछ इंपॉर्टेंट मानी जाती है जिसको कि पढ़ना चाहिए कभी मौका मिल जाए तो इसमें भिगुनंदी को हम फलादेश करने की कोशिश करेंगे अपनी इस जर्नी में बिगrandnी नाड़ी बिगrandnी नाड़ी जो है फलादेश करती है ग्रहव से ग्रहव की चाल यानी कि गोचर गोचर से गोचर को लगा के बिगrandnी नाड़ी प्लैनेट के कंजंक्शन उनके अंदर जो संपर्क बन रहा है उस संपर्क के अंदर जो स्थिति पैदा होती है उस स्थिति को लगा के बिगrandnी नाड़ी फलदेश करती है बिगrandnी नाड़ी के अंदर 150 अंश बनते हैं नाड़ी के अंश बनते हैं उसको भी जोड़ती है जिससे कि नव्स पकड़े में आती है डेढ़ सौ जो 150 नाड़ी के अंश बनते हैं वो बहुत बड़ा चैप्टर है बहुत ही लेंदी है वो हमारा इसका प्रोग्राम नहीं है बट हाँ हम जो ये आज हम पढ़ेंगे इस जर्नी में करीब 20-22 क्लासेस के अंदर इसमें इतना जरूर पढ़ लेंगे हम कि आप दो चार सौ प्रोडक्शन एक कुंडली के ऊपर लगा सकोगे इतना जरूर हम पढ़ लेंगे इसके अंदर ठीक इसके अलावा बाकी जो नाड़ी है उसके ऊपर चर्चा नहीं करना आई एम नॉट डूइंग एनी विस्तार में उसमें बट मैं अगस्त्य नाड़ी के विषय में जरूर बोलूंगा अगस्त्य नाड़ी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नाड़ी है जो मैंने अभी थो, थोड़ी देर पहले भी बताया था ये हाथ की रेखाओं के के पे लक्षणों पे आधारित की नाड़ी है ये ज, जो नाड़ी हस्तरेखा जो लोग हस्तरेखा जानते हैं या हस्तरेखा पढ़ते हैं अगर वो ये नाड़ी को अटैच करते हैं अपने जीवन में तो उनकी हस्तरेखा के ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग कमांड आ जाती है और इट्स ए वेरी ब्यूटिफुल नाड़ी सिस्टम बुध नाड़ी अगस्त्य नाड़ी के ही एक पार्ट है सप्तऋषि नाड़ी सप्तऋषि नाड़ी अब सप्तषि बहुत लोगों ने सुना आजकल एक सप्तषि करके अपने हम एक चैनल एक सिस्टम भी है सप्तऋषि है तो सप्तऋषि कौन है सप्तषि एक्चुअली सात ऋषि और तीन उनके सहयोगी ऋषि दस ऋषियों के द्वारा संवाद जब हुआ उस संवाद को एक संग्रह के अंदर बदल दिया गया और वो जो संग्रह बना वो नाड़ी ज्योतिष के नाम से जाना गया ये सात ऋषि और तीन अदर ऋषि कौन थे अगस्त्य महर्षि अगस्त्य महर्षि भिगु महर्षि प्राशर महर्षि अत्रि महर्षि विश्वामित्र महर्षि वरिष्ठ महर्षि भुजेंद्र उसके अलावा नारद मुनि जय मुनि और ऋषि विदुर ये दस लोग दस ऋषि जब इकट्ठे होके इनमें इनमें संवाद हुआ वो संवाद को आ, संवाद के जो वो जो उनके डायलॉग्स थे उस डायलॉग्स को संग्रह में बदल दिया गया उस संग्रह से जो उत्पन्न हुआ वो सत्यऋषि नाड़ी का उन्होंने उसमें नाम दिया गया सत्यऋषि नाड़ी इज ए इंपॉर्टेंट नाड़ी ये नाड़ी का थोड़ा सा एक छोटा सा विस्तार था जो शास्त्रों में उल्लेख रहा आपकी जानकारी के लिए अब हम आते हैं अपने चैप्टर के ऊपर अब हम आते हैं अपने चैप्टर पे नाड़ी के अंदर कंजेक्शन जब देखे जाते हैं उसमें प्रमुख तौर पे कंजेक्शन तीन तरीके से देखे जाते हैं नाड़ी में नाड़ी के अंदर प्लैनेट का कंजेशन आप सबको पता है प्लैनेट जब एक दो प्लैनेट साथ बैठे होते हैं तो दे आर कंसिडर टू बी कंजेक्ट दो प्लैनेट के साथ बैठा कंजेशन माना जाता है युति माना जाता है ये बात ठीक है इसको हम कंसिडर करेंगे इसके अलावा ट्राइन में बैठे प्लैनेट नाड़ी के अंदर कोई प्लैनेट जब ट्राइन में बैठता है एक दूसरे के ट्राइन में तो वो ट्राइन में बैठे प्लैनेट युति में कहलाते हैं तीसरी बात नाड़ी में सामने वाला बैठा प्लैनेट यानी कि सातवें नंबर पे जो प्लैनेट बैठेगा वो भी युति में कहलाता है नाड़ी में एक घर आगे और एक घर पीछे बैठा प्लैनेट भी युति में कहलाता है अब इसका क्या मतलब हुआ आसानी से दोबारा समझ लेते हैं एक बार नाड़ी में ट्रेन में बैठे प्लैनेट यानी कि एक पांच नौ में या दो छ या तीन सात ग्यारह में या चार आठ बारह में बैठे प्लैनेट कंजट कहलाते हैं <livres aquela Giovane> नाड़ी में सामने बैठा प्लैनेट कंजट कहलाता है यानी कि जहां प्लैनेट बैठा है उसके ऑपोजिट एक में बैठा है तो सातवां नंबर दो में बैठा है तो आठवां नंबर तीन में बैठा है तो नौवा नंबर चार में है तो दसवां नंबर पांच में तो ग्यारहवा नंबर छह में तो बारहवा नंबर और सात में तो एक नंबर और इसका अपोजिट फिर हो जाएगा ये प्लांट कंजट खिलाते हैं नाड़ी में अपने से, से दोबारा से, से क्लियर करिए सर ओके आपको ट्राइन क्लियर हो गया था ट्राइन ट्रेंग तो ट्राइंगल हो गया जो तो ट्राइंगल तो उसमें बैठे हुए हैं। राइट तो नाड़ी में जो प्लांट अपने से अपोजिट बैठता है वो सातवा होता है हमेशा ठीक है अपोजिट वाला राइट तो हमने सिर्फ नंबर ही कहने थे एक का उल्टा सात दो का उल्टा आठ तीन का उल्टा नौ चार का उल्टा दस तो कंजट खिलाएंगे पांच का उल्टा ग्यारह छह का उल्टा बारह और सात का उल्टा फिर वन और फिर रोटेट हो जाएगा करेक्ट वो कंजट खिलाएंगे नाड़ी में अपने से दूसरा और अपने से बारवा बी कंजट कहलाता है यानी कि अगर कोई प्लानट दूसरे भाव में बैठा है तो दूसरे से में से तीसरे भाव में जो प्लैनेट होगा वो कंजट खिलाएगा और दूसरे भाव से पहले भाव में जो बैठेगा वो खिलाता है वो कंजट खिलाएगा तो नाड़ी में अपने से दूसरा और अपने से बारहवें बैठा प्लैनेट भी कंजट खिलाता है Is this clear? तो कोई यहाँ पे बिल्कुल फ्रेशर जिनको बिल्कुल क्लियर नहीं हो रहा तो बता दें प्लीज हेलो जी सर ये दो और बारह वाला नहीं समझ आया राइट right. अगर कोई प्लेनेट तीसरे भाव में बैठा है हाँ जी तो उसके एक आगे क्या कहलाएगा चौथा सर तीसरे में बैठा तो चौथा राइट तो तीसरे से दूसरा भी क्लास होता है हाँ जी हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं तीसरे से दूसरा हाँ जी कैन वी से लाइक दिस अगर कोई प्लेनेट दूसरे भाव में बैठा है तीसरे में बैठा है एक लेकिन दूसरे में भी बैठा है तो हम तीसरे के पर्सपेक्टिव से कैसे बात करेंगे इसे कैसे बोलेंगे तीसरे से बारवा हो गया सर तीसरे से हो गया तो हमने बोला अपने से दूसरा और अपने से बारवा प्लेनेट भी कंजेक्ट के है नाड़ी में ठीक है सर मतलब ती, तीसरे से चौथा भी और बारवा भी पहला भी तीसरे से चौथा बात डिफरेंट हो गई तीसरे से दूसरा तीसरे से दूसरा ठीक है सर शब्दों में मतलब बदल जाएगा तीसरे चौथा मतलब आगे बढ़ जाएगा वो अच्छा जी तीसरे से दूसरा ठीक है थी। और तीसरे से बारवा भी कंजेक्ट है किसके लिए तीसरे के लिए सरे, डायग्राम में नहीं आप बता सकते चलिए वैसे इतना था नहीं तो मुझे लगा विल बी क्लियर फाइन विल पुट इट वन मिनट एक मिनट में मैं लगा देता हूँ जी बिल्कुल ठीक बात है अब आप यहां पे देखें यहां पे हम ले रहे हैं ये ये अभी का कुंडली है इस टाइम प्रेजेंट इज़ अभी राइट नाउ कुंडली है ये ट्राइन ये प्लेनेट ट्राइन में बैठे हैं ये आपस में कंजेट कराएंगे ठीक है ये प्लेनेट युति में है ये कंजेक्टे ठीक है जी ये यहाँ से किसी का साउंड आ रहा है प्लीज बंद करें ये इससे बारवा है और ये इससे दूसरा है तो ये ये शनि और शुक्र के लिए सारे प्लान कंजेक्ट है कौन कौन से शनि और शुक्र आपस में कंजेक्ट है एक बात शनि शुक्र के लिए केतु कंजक्ट है दो बात शनि शुक्र के लिए सूर्य और गुरु दोनों कंजेक्ट है तीन बात इज क्लियर नाउ सातवे yes, में कोई प्लैनेट नहीं है सातवें में कोई प्लैनेट नहीं है तो सातवें कोई मतलब नहीं बना इसका ठीक है right? अगर अब ये बात क्लियर है तो हम थोड़ा ट्रांसिट का रूल भी देख लेते हैं एक बार और तब हम जाएंगे बाद में कारक तत्व कारक तत्व हम बाद में जाएंगे क्योंकि कारक आपको याद नहीं हो सकते ऐसे बहुत सारे कारक हैं अगर आपको कंसेप्ट पकड़ में आ गया तो आप कारक बना लोगे कारक इज नॉट ए बिग डील

कोई भी अननोन चार्ट ले रहे हैं फिलहाल हम अभी के लिए ये चार्ट ले लिया हमने पे ठीक है अभी ये इनका चार्ट चार्टेगा बना हुआ इस चार्ट के ऊपर ट्रांसिट कैसे लगेगा हम ट्रांसिट को एक बार देख लेते हैं ट्रांसिट कैसे लगता है यहां पे आप जो चार्ट को मैं मार्क कर रहा हूं प्लीज कंसिडर दिस चार्ट ओनली अगर ये चीज समझ में आपको आ गई तो देन इट बिकम इजी टू अंडरस्टैंड दी रिजल्ट्स जो प्रोडिक्शन आएगी वो इजी हो जाएगी अंडरस्टैंडिंग उसकी यहां पे अगर आप ये देखेंगे तो ये डी वन चार्ट है जो अंदर में चार्ट है दिस इज डी वन चार्ट ये वाला डी वन चार्ट है मैं इस पर लिख देता हूं ये डी वन चार्ट है राइट दिस इज डीवन चार्ट डीवन चार्ट के ऊपर ये आउटर में जो चार्ट लगा हुआ है ये इस समय का आज का इस समय का गोचर लगा हुआ है और ट्रांजिट गोचर एक ही बात है अभी ये गोचर जब लगा हुआ है इस गोचर को समझना बहुत जरूरी है अगर ये गोचर हमें पकड़ में आ जाता है समझ में आ जाता है हम गोचर पे लगने वाले रूल और कंजेशन में लगने वाले रूल को मैच कर पाएंगे और नहीं तो ये छूट जाएगा अभी आप इसमें अगर आप देखेंगे यहाँ पे शनि का गोचर है, गोचर को पकड़ेंगे पहले शनि गुरु राहु केतु ये चार लंबे गोचर हैं शनि का गोचर ढाई साल का होता है करीब करीब गुरु का गोचर एक साल का गोचर साल होता है राहु केतु के गोचर डेढ़ डेढ़ साल के होते हैं इज दट राइट बाकी सारे गोचर जो है पच्चीस से तीस दिन पैंतालीस दिन के बीच में समझ जाते हैं ठीक है चाहे वो शुक्र का हो गुरु का शुक्र बुद्ध हो ये दोनों 25 बाईस पच्चीस दिन में सिमट जाते हैं सूर्य का गोचर 30 दिन में सिमट जाता है और मंगल का गोचर पैंतालीस से पैंतालीस दिन में चेंज हो जाता है और चंद्रमा का सबको पता है ढाईस दिन में गोचर चेंज होता है सवा दो दिन में गोचर तो सारे गोचर छोटे हैं इसलिए हमने वो गोचर नहीं पकड़े अभी हम जो गोचर पकड़ रहे हैं अभी हम पकड़ रहे हैं गुरु शनि केतु और राहु यहाँ पे हम जब लगाएंगे जब हम बात करेंगे जेक्शन की जब हम बात करेंगे उन में गोचर्स की भी बात करेंगे साथ साथ ही उनमें लगाने वाली बात क्या होगी हम इसको ऐसे देखेंगे दिस अगेन शनि का गोचर इस व्यक्ति के लिए ग्यारह ग्यारहवीं राशि यानी कि लगन में ही चल रहा है अगर इस व्यक्ति के लिए देखे तो शनि का गोचर जो ट्राइन बनाएगा गोचर से जो ट्राइन बनेगा वो ऐसे बनेगा प्लीज अंडरस्टैंड इट गोचर की जो दृष्टि जाएगी वो यहां पे जाएगी गोचर का जो दो बारह बनेगा वो यहां बनेगा दिस मेक सेंस ये बात क्लियर है यहां अगेन गोचर का जो ट्राइन बना वो बना नेटल चार्ट के साथ कह रहा हूं मैं ये नेटल चार्ट है अंदर वाला नेटल चार्ट के साथ गोचर का ट्राइन बना ये ठीक है जी गोचर की जो दृष्टि गई शनि की वो यहां गई नेटर चार्ट में और गोचर का जो दृष्टि सातवां जो इफेक्ट आया, आया वो एक आगे गया और बारवा एक पीछे गया ये गोचर की कंजक्शन बनेगी नेटर चार्ट के साथ शनि गोचर का प्लान नेटर चार्ट के साथ कंजक्शन में इन जगह पे प्रभाव डालेगा ये बात क्लियर है अब शनि का गोचर हो रहा है इस व्यक्ति के लिए शनि का गोचर इस व्यक्ति के लिए सिर्फ राहु के ऊपर प्रभाव डाला बाकी और चंद्रमा पे डाल रहा है बाकी कोई प्लेनेट ही नहीं है इन बिटवीन एक और करके देखते हैं अभी गुरु यहां पे चल रहा है इस... मैं एक और करके दिखा रहा हूं आई एम जस्ट डूइंग वन मोर इस व्यक्ति के लिए गोचर गुरु का जो टाइम बनेगा वो ऐसा बनेगा इस व्यक्ति के लिए ये टाइम बना गुरु का गोचर के साथ विद नेटल चार्ट इस गोचर की में गुरु की जो दृष्टि है वो यहाँ आई गोचर में जो गुरु की दो बारह का इफेक्ट है वो यहाँ आया तो ला दो। तो ला दो। प्लीज प्लीज म्यूट योर मीडियो अभी गुरु का आप देखेंगे तो इस इनके चार्ट में गुरु ट्रांजिट का नेटल गुरु के ऊपर डाल रहा है में में आ रहा है, की में आ रहा रहा है है टाइम इफेक्ट ट्रांजिट का गुरु नेटल के शुक्र मंगल बुध सूर्य पे कनेक्ट बना रहा है ट्रांजिट का गुरु नेटल के तीसरे में खाली है लगन में केतु से कनेक्ट बना रहा है इनकी क्या प्रडिक्शन बनती है उसको हम स्टडी करेंगे बट ये स्टडी के लिए कनेक्टिविटी से जरूरी है

ये दशा होती है जो आप बता रहे हैं नहीं नहीं दशा अलग बात है हम ट्रांसिट की बात कर रहे हैं हम गोचर की बात कर रहे हैं मैं दशा की बात बिल्कुल नहीं बोली है मैंने पूछा क्वेश्चन ये विजय कुमार विजय जी विजय जी दशा और गोचर में डिफरेंस है गोचर होता है प्लेनेट की गति प्लैनेट इस टाइम किस भाव में ट्रेवल कर रहे हैं वो जिस भाव में ट्रेवल कर रहे होंगे वो गोचर कहलाता है या अंग्रेजी में ट्रांसिट बोलेंगे उन्हें हम दशा होती है दशा की इस समय में कौन से प्लेनेट की गति चल रही चल रही है दशा चल रही है उस व्यक्ति के चार्ट के अनुसार तो देर इज ए टू डिफरेंट सब्जेक्ट या टू डिफरेंट टॉपिक आपको इसका थोड़ा आइडिया नहीं है क्या तो थोड़ा कम है। जी जी बिल्कुल कम है सर इसका नॉलेज कम कोई बात नहीं तो आप ट्रांसिट को पकड़े दशा की अवस्था नहीं है जब दशा की अवस्था आएगी तो हम दशा करवाएंगे आपको ठीक है ठीक है सर आप सिर्फ ये बात समझे कि इस समय में गोचर आउटर गोचर है इनर बर्थ चार्ट है, है। बर्थ चार्ट जो है वो डी वन है ये बर्थ चार्ट है इस व्यक्ति का ठीक है जी आउटर वाला गोचर है यानी कि प्रेजेंट का गोचर प्रेजेंट का गोचर अगर हम लगाया इन व्यक्ति के चार्ट पे लगाया अगर हमने राहु को लिया तो राहु का जो ट्राइन बना वो ट्राइन कुछ ऐसा बना नेटल चार्ट के साथ राहु का ट्राइन ऐसा बनेगा कुछ दिस मेक सेंस राहु की अपोजिट जो आएगा वो ये आएगा नेटल चार्ट के साथ राहु का जो दो बारह होगा नेटल चार्ट के साथ वो ये कनेक्ट बनेगा तो हम ये बोलेंगे इस व्यक्ति के लिए राहु ट्रांसिट में चलता हुआ राहु का इफेक्ट राहु पे आ रहा है राहु का इफेक्ट चंद्रमा पे जा रहा है राहु का इफेक्ट चौथे भाव में बैठे शनि पे जा रहा है ये बात ठीक है ये बात क्लियर है अभी राहु मतलब तीसरे भाव में आ रहा है गोचर में गोचर में इस व्यक्ति के तीसरे भाव में राहू है थीक थीक और तीसरे भाव से जब राहु गोचर कर रहा है तो इस व्यक्ति के नेटर चार्ट में राहु का इफेक्ट सातवें भाव में बैठा नेटर चार्ट के राहु पे इफेक्ट डाल रहा है इस व्यक्ति के लिए डीवन नेटर चार्ट में जन्म कुंडली के चंद्रमा नौवे भाव में बैठा हुआ उस पर राहु इफेक्ट डाल रहा है इस व्यक्ति के लिए चौथे भाव में बैठे शनि पर राहु के ट्रांसिट का इफेक्ट आ रहा है ये टर्मोलॉजी क्लियर हुई जी विनोद जी सर इसमें हम दीर्घ की दृष्टिया भी देखेंगे हाँ मैंने बोला ना कि ट्राइन देखेंगे दो बारह देखेंगे और अपने से अपोजिट देखेंगे नहीं जो जैसे बैठे ओके एक मिनट जब हमने शनि की बात की थी तो हमने बोला शनि का ट्राइन बनाया आपने शनि का एक ट्राइन बन गया शनि ट्रांजिट का है नेटल चार्ट पे चला गया ट्रांजिट का शनि है दो बारह में चला गया तो इस केस में ट्रांजिट में चलता हुआ शनि राहु के ऊपर चंद्रमा के ऊपर प्रभाव डाल रहा है और केतु के पे डाल रहा है केतु पे भी डालेगा तीन तीन और दस जो शनि की अपनी दृष्टि हम उसको कनेक्ट नहीं कर रहे हम दृष्टि नहीं डाल रहे दृष्टि का प्रभाव आता है लेकिन हम दृष्टि बिगुनुंदी में नहीं ले रहे जब आप इतने रूल सीख जाओगे तो दृष्टि का रूल लगा पाएंगे अभी हम दृष्टि वाला रूल नहीं लगा रहे इसमें क्योंकि हम यूटी पे काम कर रहे हैं हम दृष्टि पे काम ठीक है बात तो एक चीज और क्लियर कर दीजिए प्लीज यहाँ पर हम कह रहे हैं सैटन इस युति है ठीक है और सैटन और मून की भी युति है राइट तो राहु और मून की युति तो नहीं मानी जाएगी ना देखो हम लगा के देखते हैं बार आपने जो सेंटेंस बोला उसको हम लगा के देखते हैं सबको क्लियर होगा शनि शनि का हमने टाइम बनाया शनि की हमने सातवीं द... सातवा कनेक्ट किया सॉरी राहु का नॉट शनि राहु ट्रांजिट का राहु ट्रांजिट का राहु का टाइम आया ट्रांजिट के राहु का सातवा कनेक्ट अपोजिट कनेक्ट किया और ट्रांजिट के राहु को हमने दोबारा लिया जब हमने ये लिया तो हमें नेट राहु का ट्रांजिट के राहु का जो इफेक्ट है वो नेटल चार्ट के शनि पे मिला नेटल चार्ट के राहु पे मिला और नेटल चार्ट के चंद्रमा पे मिला हमें तो हम ये बोलेंगे ट्रांजिट का राहु इन तीन प्लेनेट के साथ शनि चौथे भाव में राहु सातवें भाव में और चंद्रमा नौवे भाव में बैठ के यानी कि का राहु इन तीन प्लेनेट के ऊपर प्रभाव डालेगा अपनी गति के दौरान एग्जेक्ट क्लियर ठीक है सर हां डिग्री का भी फर्क आता है उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे यहां तक की प्रदेश निकाल के तब आगे बढ़ेंगे इसमें अभी हम केतु का भी एक बार देख लेते हैं यहां से क्योंकि केतु भी हमने बोला था केतु के केस में अगर हम जाते हैं केतु बैठे यहाँ पे नौवे भाव में आ रहे हैं ट्रांजिट के अंदर आ रहे हैं तो केतु का ट्राइन बनाया आपने ये केतु का बना ट्राइन ये केतु का ट्राइन बना केतु का ट्राइन बना यहां केतु अपोजिट गए और यहां से केतु दो बारह में गए दो और बारह में गए हम ये बोलेंगे ट्रांजिट में चलते हुए केतु केतु से संपर्क बना रहे हैं दीवन चार्ट में नेटर चार्ट में और शुक्र मंगल बुध और सूर्य से संपर्क बना रहे हैं प्लस चंद्रमा से भी बना रहे हैं क्योंकि केतु जो है नौवे भाव पे ट्रांसिट कर रहे हैं तो चंद्रमा से भी बना रहे हैं तो ट्रांसिट के के केतु चंद्रमा केतु इट सेल्फ शुक्र मंगल बुद्ध गुरु से संपर्क बना रहे हैं युति बना रहे हैं टारगेट में चलते केतु इसकी क्या प्रडिक्शन बनेगी वो प्रशन के बारे में हम करेंगे बट आपको कनेक्टिविटी चाहिए पहले राइट यहां तक किसी को कोई तकलीफ तो बताए अगर यहां तक आपने सीख लिया ना तो आपने विवन सीख ली सीरियसली आपने विवन सीख ली ठीक है सर में यही है पूरी विघन के अंदर जो मैंने आपको रूल बताया है, पहली क्लास के अंदर ये आखिरी क्लास का रूल है जो मैंने आपको पहले बता दिया ठीक है सर थैंक यू बाकी सारी जो है सिर्फ कॉम्बिनेशन के जो रिजल्ट होते हैं वो है और एक बार कॉम्बिनेशन के रिजल्ट आपको ट्रिक आ गई तो रिजल्ट तो बना लोगे रिजल्ट इज नॉट ए बिग डील मेरा एक क्वेश्चन है जी ताइ जी ये ट्रांसिट में जो होते हैं प्लैनेट ये एक दूसरे को ट्रांसिट नहीं कर रहे होते उस वक्त लाइक अगर केतु नाइंथ हाउस में बैठा है और सेटन पहले हाउस को एक्सपेक्ट कर रहा है तो क्या केतु सेटन को एक्सपेक्ट कर रहा है वहां पे ट्रांजिट के अंदर ट्रांसिट के चलते प्लैनेट की ट्रांजिट में एक्सपेक्ट नहीं देखेंगे फॉर एग्जाम्पल ठीक है आपने जो बोला की हाँ। केतु नाइन्थ हाउस से ट्रांजिट कर रहे हैं और शनि फर्स्ट हाउस से ट्रांसिट कर रहा है इस व्यक्ति के लिए तो केतु नाइन्थ हाउस के ट्रांसिट से शनि फर्स्ट हाउस के शनि को एस्पेक्ट एस्पेक्ट करेगा टू हुआ वो हम वो नहीं देख रहे हैं। हाँ। हाँ। हम देख रहे हैं पे चलते डी वन के कहा का प्रभाव डाल रहे हैं डी में कहा का प्रभाव डाल रहे हैं ठीक है तो क्या वैसे वो, वैसे वो वो मानी जाती है सर अदरवाइज अगर ट्रांसिट पे ट्रांसिट डाल रहे हैं प्रभाव डाल रहे हैं उस व्यक्ति के लिए वो नहीं देखा जाएगा तो ट्रांजिट टू ट्रांजिट प्रभाव है ना वो दिया, तो दिया, दिया, दिया। वो नहीं देखा जाएगा ठीक ठीक जी दीपिका जी आप बताएं आपने हैंड रेज किया था दीपिका जी हाँ वो कुछ कॉन्सेप्ट था अपने आप ही क्लियर हो गया थैंक यू सो मच थैंक यू राइट यहाँ पे मैं एक क्लू दे रहा हूं जिन लोगों को डिविजनल चार्ट की जानकारी है सेम रूल दे कैन अप्लाई ऑन डी चार्ट नॉट ऑन अदर चार्ट मैं अभी D9 पे ही बोला है सो वी लर्न इन डी वन चार्टी नाइन चार्ट की गणित या प्रशन या बेटर हो जाएगी उसकी आप जिनको डिविजनल चार्ट आता है यहाँ तक भी कोई दिक्कत सर 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 पे भी बता दीजिए एक बार के अच्छा ठीक है? है, को कोशिश करेंगे फ्रेंडली प्लेनेट और एनिमी प्लेनेट कौन कौन से किस किस के लिए कैसे कैसे चलते है थोड़ा सा हम इसको समझ लेते हैं ताकि हमारी जानकारी बेटर हो जाएगी वैसे सबको आता ही है बट फिर भी एक बार हम रिवर्क कर लेते हैं एक चीज बस क्लियर कर दीजिए जैसे जैसे अभी अगर हम शनि का कर रहे हैं जो अभी आपने आई थिंक अमिताभ बच्चन की कुंडली ली हुई है तो उसमें शनि अगर दशा में चल रहे हैं तो क्या इंपैक्ट हो रहा है और शनि की दशा नहीं चल रही हम है, है तो के आनलेस्टीस आनलेस्टीस बारे पे कर रहे? करेंगे वो हम के करेंगे अभी हमने एक भी परीक्षा okay. नहीं की अभी सिर्फ हमने कंसेप्ट समझा था पकड़ने का हमने एक भी परीक्षा की बात नहीं किया अभी हमने ठीक है तो एक बार हम रूल सीख जाए सारे देन इट बिकम इजी टू रिलेट फास्ट जनरली क्या होता है रूल बाद में बताए जाते हैं और पहले पूरी थ्योरी हो जाती है तो होता क्या प्रॉब्लम है कि थ्योरी आप पहले पूरी कर लो और रूल जब तक पता चलेगा कि रूल क्या लगा था तब तक तो क्लास खत्म हो जाती है और फिर बैठ के आप रूल लगाते हैं। तो हमने <laughs> रिवर्स कर दिया हमने रिव... आपको रूल पहले बता दिया अब जब जैसे जैसे प्रेडिक्शन का पार्ट में करेंगे आप बैठ के रूल लगाते हैं ना साथ साथ आपको पकड़ में आ जाएगा आपको वो याद हो जाएगा राइट ठीक चलिए एक और चीज आगे देख लेते हैं हम फ्रेंडली प्लैनेट और एनिमी प्लैनेट सूर्य के लिए भिगुनंदी के अनुसार जो फ्रेंडली प्लैनेट माने गए हैं वो तो चंद्रमा मंगल और गुरु ये फ्रेंडली प्लैनेट माने गए हैं सूर्य के लिए बुद्ध भी कई हद तक फ्रेंडली प्लैनेट की कैटेगरी में माने गए हैं और केतु जो है सूर्य के लिए भिगुनंदी के अंदर एनिमी में भी माने गए एनिमी या फ्रेंडली दोनों में नहीं मानेगा यू कैन से इट्स न्यूट्रल माने गए हैं ये अगर आप लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं सूर्य के लिए किसी की बैकग्राउंड वॉइस है प्लीज बंद कर दें चंद्रमा मंगल गुरु फ्रेंडली प्लेनेट है बुद्ध को भी फ्रेंडली प्लेनेट माना गया और केतु को न्यूट्रल माना गया इसके अलावा जो बच गए तीनों प्लेनेट विघन के अंदर वो तीनों प्लैनेट को अनी प्लैनेट पर रखा गया शनि राहु और शुक्र सूर्य के लिए तीनों जो है अनि प्लैनेट में रखे गए ठीक है जी मंगल चंद्रमा चंद्रमा के लिए सूर्य मंगल चंद्रमा के लिए सूर्य मंगल गुरु ये फ्रेंडली में माने गए बुद्ध को यहाँ पे न्यूट्रल रखा गया बिघु के अंदर बुद्ध को यहाँ पे न्यूट्रल रखा गया और इसके बाद जो तीन प्लैनेट बच गए राहु शुक्र ये तीन, दोनों जो है बुध चंद्रमा के लिए नेगेटिव प्लैनेट माने गए राहु शुक्र और शनि केतु सर नौ तो रह गया केतु केतु के भी एनिमी में माना गया एनिमी माना गया ठीक है जी गुरु आपने, आपने सन के साथ तो जुपिटर का नहीं बताया मैंने बताया सन के साथ जुपिटर फ्रेंडली प्लेनेट में गुरु गुरु के साथ भिग्रंदी के अंदर सूर्य मंगल सूर्य मंगल सूर्य मंगल चंद्रमा शनि को फ्रेंडली प्लान माना गया शुक्र को कुछ एस्पेक्ट पे फ्रेंडली माना गया कुछ एक्सपेरिमेंट नेगेटिव माना गया आप शुक्र को प्लस में लोअर साइड प्लस पे दे सकते हो इट्स नॉट नेगेटिव बट नॉट हंड्रेड परसेंट पॉजिटिव ऑल्सो कहाँ का पॉजिटिव होता है और कहाँ का नेगेटिव होता है वो हम अपनी गणना में करेंगे बट आप इसको लोअर साइड प्लस पे रख सकते हो शुक्र को राहु चंद्रमा राहु और बुध को गुरु के साथ जो है कुछ समय में नेगेटिव माना गया एक्चुअली क्या है गुरु के साथ जो है ना विभिन्न में कोई भी प्लान नेगेटिव नहीं माना गया मोटी बात तो यह है लेकिन देर आर सम मेजर पॉजिटिव सम लोअर पॉजिटिव तो जो मेजर पॉजिटिव गुरु के साथ माने गए हैं वो माने गए सूर्य मंगल चंद्रमा इनको जो है मेजर पॉजिटिव प्लान माना गया गुरु के साथ शनि शनि भी शनि भी मेजर पॉजिटिव माना गया गुरु के साथ और बाकी जो प्लान है ना वो लोअर पॉजिटिव माने गए हैं जिसके अंदर केतु आ गया बुध आ गया राहु आ गया ये लोअर पॉजिटिव प्लैनेट है गुरु के साथ इज नो नेगेटिव प्लैनेट विद गुरु इन भिगनो दिनाड़ी मंगल की बात कर लेते हैं मंगल के लिए सूर्य चंद्रमा गुरु सूर्य चंद्रमा गुरु ये तीनों जो है पॉजिटिव प्लैनेट माने गए हैं मंगल के लिए और शुक्र को लोअर साइड पॉजिटिव पे रखा गया इट्स नॉट नेगेटिव बट लोअर साइड पॉजिटिव केतु कंसिडर टू बी न्यूट्रल इन भिग्रदी बाकी बच गया बुध शनि और राहु दे आर एनिमी फॉर मंगल इन भिग्रुद्धी नाड़ी एनिमी बोलना एनिमी शनि राहु और बुध ये तीन प्लैनेट ऐसे हैं जो एनिमी माने गए भिघन नाड़ी में शुक्र की बात अगर हम करें शुक्र के लिए गुरु मंगल बुध शनि गुरु मंगल बुध शनि ये चारों प्लैनेट शुक्र के लिए पॉजिटिव माने गए हैं बिघन के अंदर राहु को बिघन के अंदर एक न्यूट्रल सेट पे रखा गया और उसके अलावा तीनों प्लैनेट जो बच गया सूर्य चंद्रमा और केतु ये शुक्र के लिए नेगेटिव प्लैनेट बने गए हैं इसके बाद आप ले लेते हैं बुद्ध को बुद्ध के साथ सूर्य गुरु शुक्र शनि राहु बुद्ध के साथ सूर्य गुरु शुक्र शनि राहु इन चारों प्लैनेट को पॉजिटिव साइड रखा गया जिसमें राहु को थोड़ा लोअर साइड पॉजिटिव रखा गया बट सूर्य गुरु शुक्र शनि को पॉजिटिव रखा गया राहु को लोअर साइड पॉजिटिव रखा गया और चंद्रमा मंगल केतु इन तीनों प्लैनेट को नेगेटिव साइड रखा गया बुध के साथ शनि शनि को बिघनती नाड़ी में गुरु शुक्र बुध शनि के लिए गुरु शुक्र बुध को पॉजिटिव रखा गया राहु को न्यूट्रल रखा गया और मंगल केतु सूर्य चंद्रमा इन चारों को नेगेटिव रखा गया मंगल केतु सूर्य चंद्रमा को यहाँ पे नेगेटिव रखा गया जिसमें अगर देखा जाए तो मंगल और केतु की इंटेंसिटी ऑफ नेगेटिविटी इज हायर साइड नदी का जब प्रोग्रेशन का पार्ट करेंगे तो आप ये जान पाएंगे कि शनि का प्रोग्रेशन मंगल की तरफ अगर आ जाता है तो इट्स अ हाई चांस ऑफ गेटिंग एक्सीडेंट्स और ऐसा देखा भी गया ऐसा हुआ भी है तो प्रोग्रेशन की आज बात नहीं करें प्रोग्रेशन के रूल की हमने आज बात नहीं करी क्योंकि सारे रूल मिक्स हो जाएंगे अदरवाइज सर मरकरी के लिए सेटन क्या है एक बार जरा उसको बता दीजिए बुध के लिए शनि जो है पॉजिटिव प्लैनेट है फ्रेंडली में आ गया फ्रेंडली में आ जाएगा वो शनि के लिए मैंने आपको दो भागों में नेगेटिविटी बताई एक मंगल केतु हाईली नेगेटिवी सूर्य चंद्रमा नेगेटिव बट ऑन ए लोअर साइड राहु की बात कर लेते हैं राहु के लिए पॉजिटिव प्लैनेट जो बताए गए वो बताए गए शुक्र बुद्ध शनि शुक्र बुद्ध शनि पॉजिटिव रहेगा। गुरु को न्यूट्रल रखा गया राहु में और सूर्य चंद्रमा मंगल सूर्य चंद्रमा मंगल को नेगेटिव रखा गया राहु के साथ अभी केतु की बात कर लेते हैं केतु के लिए सूर्य चंद्रमा सूर्य चंद्रमा गुरु मंगल पॉजिटिव बताया गया और बुध शुक्र शनि इन तीनों को नेगेटिव बताया गया आई रिपीट फॉर केतु बिकॉज केतु इज वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्लेयर इन भिग्रदी नाडी केतु इज वन ऑफ द प्लैनेट विच चेंज द एंटायर मैट्रिक्स सो केतु का फ्रेंडली एंड एनी ध्यान से समझें केतु के साथ सूर्य चंद्रमा गुरु मंगल को फ्रेंडली बताया गया बुध शुक्र शनि इन तीनों को नेगेटिव बताया गया एनिमी बताया गया केतु के साथ केतु के साथ राहु का क्या है केतु के साथ राहु को कनेक्ट नहीं किया जैसे मैंने राहु के अंदर केतु कनेक्ट नहीं किया था इसी तरह केतु के साथ राहु कनेक्ट नहीं किया क्योंकि ये दोनों आपस में कनेक्ट नहीं करते हैं बिकॉज देर टेंडेंसी अपोजिट अदर ना ये कनेक्टिविटी का चार्ट है और ये चार्ट हमारी प्रिडिक्शन के अंदर बहुत काम आएगा इसलिए इसका इसको ध्यान से समझें पढ़ें और इसको जरूरत पड़े तो आप फेयर करके अपनी बुक्स पे बना के रख लें और अरे ये में नहीं आप देंगे सर ये सर ये नोट्स मैं आपको दूंगा लेकिन वो लेट आएंगे इसलिए मैंने ये आपको बता दिया एक एक ही चार्ट है ये जो मैंने आपको बताया अभी सर अगर साथ साथ आ जाते तो ज्यादा बढ़िया था मतलब नोट्स भी बन जाते तो ज़्यादा हाँ मैं राहु केतु बता देता हूँ <laughs> केतु में सूर्य चंद्रमा गुरु मंगल पॉजिटिव है केतु में बुध शुक्र शनि नेगेटिव है राहु में शुक्र बुध शनि पॉजिटिव है ग्रु न्यूट्रल है और क्या बची है राहु में सन मून और मार्स नेगेटिव हो जाएंगे ये नेगेटिव ने, है ये नेगेटिव है करेक्ट सर एक राहु में केतु और केतु में राहु का सर नहीं है सर इसमें क्या हो नहीं होता? नहीं क्योंकि बोथ आर अपोजिट टू इच अदर दोनों एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते डायरेक्टली ये ना एनिमी है ना फ्रेंड्स में माने गए इसलिए क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट ही रहते हैं ना डिजाइन में ठीक है जी सर राइट right. जी सर एक बार जरा सन और मून का फिर बता दीजिए मुझे लगा नोट्स में हो जाएगा तो हम उसे चेक कर लेंगे लेकिन अब फिर मैं कर ही इसको कर सकते हैं जो इनकी लिस्ट होती है, फ्रेंड और की। हाँ, वो कर सकते है थोड़ा सा पे हो जाता है। तो सूर्य के साथ मैंने बताए थे आपको मंग, चंद्रमा मंगल गुरु और बुध ये सूर्य के साथ पॉजिटिव थे सूर्य के साथ केतु न्यूट्रल शुक्र शनि और ग्राहु ये नेगेटिव थे ओके okay, बस मून का और बता दीजिए मून के साथ सूर्य गुरु मंगल पॉजिटिव हो गए फ्रेंड और बुध ओके बुध भी है ठीक है तो ये यही है ना मतलब साथ साथ हो जाएगा तो मतलब नोट्स भी अच्छे बन जाएंगे और काम इकट्ठा नहीं होगा ठीक है ना काम इकट्ठा है एनी न्यूट्रल फॉर मून शुक्र राहु जो है दोनों नेगेटिव है चंद्रमा के लिए शुक्र राहु नेगेटिव है हां सैटर्न और केतु आप उसको न्यूट्रल में रख लो आप इसको ओके okay, सैटर्न और केतु न्यूट्रल I request somebody to fair it and put it on group also for uh, VJG to help. ठीक है मार्क्स के लिए कोई न्यूट्रल नहीं है ना जितने फ्रेंड में आपने बताया वो जो फ्रेंड में है और बाकी जो है वो नए एनिमी में है कोई न्यूट्रल नहीं है मार्क्स के लिए मार्क्स के लिए केतु है केतु न्यूट्रल था मैंने केतु न्यूट्रल था अच्छा। करेक्ट सूर्य चंद्रमा गुरु गुरू शुक्र ये पॉजिटिव लोअर साइड पे केतु लोअर साइड पे है शनि राहु एक्सट्रीमली नेगेटिव एंड बुद्ध जो है नेगेटिव बट ऑन लोअर साइड नेगेटिव ठीक है अब मैं रिपीट ही कर देता हूँ एक बार दोबारा शुक्र के लिए गुरु मंगल बुद्ध शनि पॉजिटिव थे राहु जो है लोअर साइड पॉजिटिव थे और चंद्रमा केतु नेगेटिव एक्सट्रीम नेगेटिव चंद्रमा केतु सूर्य भी नेगेटिव बट ऑन ए लोअर साइड सर राहु को तो आपने नेगेटिव तो, बोला है तो न्यूट्रल बोला है इसमें सर शुक्र में आपने शुक्र तो में राहु कैसा राम। है न्यूट्रल बताया न्यूट्रल बताया मैं न्यूट्रल ही बोला ना बीबी शुक्र में राहु आपने पॉजिटिव लोअर कर दिया था पॉजिटिव अच्छा आप न्यूट्रल जुपिटर हाँ, okay. मतलब बात, बात so भी एक बार रिपीट कर दीजिए फिर जुपिटर में सन मून मार्स जुपिटर तो मैंने बताया जुपिटर के लिए मैंने बोला था आपको जुपिटर इज ए वन प्लान जिसके लिए बिगड़ो में कोई भी नेगेटिव प्लैनेट नहीं आया बट तो राहु चंद्रमा और बुद्ध को एट टाइम्स नेगेटिविटी में देखा जाता है केतु को भी बुद्ध के साथ नेगेटिविटी में देखा जाता है टाइम्स पर सूर्य मंगल शुक्र शनि ये चारों पॉजिटिव है बुद्ध के गुरु के साथ अच्छा मून को नेगेटिव साथ... में डाले क्योंकि मून पहले ज... फ्रेंड में लिखा हुआ है जुपिटर के तो उसे नेगेटिव में नेगेटिव में कर नेगेटिव है बट इन जनरल गुरु के साथ में भी भी नहीं है okay. देखो थोड़ी चीजों को समझते हैं यहाँ पे एक बार भिगन के अंदर क्या कारक जो है ना कारक कैसे हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट किस, किस है कारक, कारक सिर्फ सूर्य जो है भिगन के अंदर सूर्य पिता का कारक है देर आर ऑल अबाउट थर्टी फोर्टी कारक फॉर ईच प्लान थर्टी फोर्टी कारक ईच प्लान कारक की जो है मैं आपको एक लिस्ट दे दूंगा कुछ के हम बात करेंगे बट बाकी आप लिस्ट से कवर अप कर लेंगे 30-40 पोस्टा 50 कर भी हम किसी किसी के तो वो मैं आपको एक लिस्ट दे दूंगा उसकी तो ठीक है लेकिन हम जो मोटे मोटे कारक हैं वो जरूर यहाँ पे पढ़ करेंगे तभी है, तभी हमारी प्रोडिक्शन बन पाएगी सूर्य जो है फादर का सन का फादर बच्चा सरकार राजा हमारी सोल और हमारा मान सम्मान रिक्लाइजेशन ऑनर जिसको बोल सकते हैं इसका ग्रह है मेन। साथ में हमारी राइट right आई का है सूर्य है सूर्य जो है हमारी पर्सनैलिटी ट्रेड्स का एक ग्रह है कि हम कैसे अपने आप को प्रदर्शित या हमारे हम कैसे अपने आप को प्रेजेंट करते हैं और हम अगर हम मेडिकल पॉइंट ऑफ से देखें सूर्य हमारा बोन का हार्ट रिलेटेड डिजीज का ठीक और हमारे ब्लड का मेंटल प्यूरिटी का हमारी मानसिकता का हमारे गुस्से का हमारे अंदर जो एंगर है उसका ठीक इन सबके ग्रह सूर्य देव को माना गया है ये शॉर्ट में हमने बड़ा इसके जो मेजर कारक है वो मैं आपको शेयर कर दूंगा कोई चीज किसी को नहीं समझ में आए तो प्लीज पूछ लेना इसमें तो कारे कारे में हेड हेड है, है और हार्ट भी है या खाली खाली है हार्ट में भी आता है हार्ट भी आता है वो आप लिख लें मैंने बताया मैंने आपको शॉर्ट में बताया हार्ट भी आता है सर इसमें सर एक नहीं हुआ ब्लड हाउ है सूर्य जो है अग्नि को रिप्रेजेंट करता है ब्लड का कलर नहीं ब्लड के अंदर गर्मी जो है वो सूर्य को रिप्रेजेंट करती है ब्लड में ब्लड जब ब्लड प्रेशर जब बढ़ता है तो एक एक अग्रेशन बढ़ता है अग्रेशन बढ़ता है तो ब्लड उससे प्रभावित होता है डायरेक्टली राइट और उसे हार्ट इपेक्ट करता है डायरेक्टली तो उस से ब्लड रिलेट करता है ब्लड के दो कारक ग्रह और बनते हैं एक चंद्रमा भी बनता है और एक मंगल भी बनता है बट वो डिफरेंट तो एक ही चीज के कई कई कारग्रिटी मानसिकता का कारग्रह सूर्य बनता है ठीक का है चंद्रमा का का चंद्रमा माता का, का काराग्रह है ट्रेवलिंग का मूवमेंट का वा, वाटरिंग प्लेसेस का वॉटर का दूध का स्लोली 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 सर ओके सर ओके सर चंद्रमा माता का ट्रैवलिंग का मूवमेंट्स का पानी का इसकी मैं लिस्ट दे दूंगा आप समझ लें इसका तो मैं आपको दे दूंगा नोट्स के अंदर सर से यही ने? मैं बोल रहा था ना भाई यहां सुन लें सिर्फ हाँ तो पहले वाले का नोट्स में नहीं था तो मैंने आपको बोला आप लिख लें इसका मैं आपको नोट्स दूंगा तो मैं आपको बोल रहा हूँ ठीक है सर ठीक थैंक यू राइट राइट। रिपीट चंद्रमा चंद्रमा माता का मूवमेंट्स का पानी का दूध का हमारी लेफ्ट आई का ठीक डिप्रेशन का हमारे खर्चों का एक्सपेंडिचर का बदनामी का माइंडसेट का इनका कारक ग्रह है चंद्रमा हमारी इंटेलिजेंस लेवल का इंटेलिजेंस लेवल का ठीक वेलफेयर का फूल cool खुशबू का मेंटल डिसऑर्डर या उससे रिलेटेड समस्या मेंटल स्लीप जिसको बोल सकते हैं इनका ठीक हमारी मेमोरी uh, रिटेंशन का दिमाग के अंदर फ्लक्चुएशन अस्थिरता हमारा जनरल बिहेवियर इन सबका काराग्रह चंद्रमा बनता है हमारी आ, जो है एक कार्य करने की क्षमता या उसमें एक एक सफाई एक स्पीड उन सब चीजों को चंद्रमा दर्शाता है अगर हम बुद्ध की यहां पे बात करें हम लाइन में चलते हैं बुध से पहले मंगल कर लेते हैं एक बार मंगल जो है हस्बैंड का कारक है विघ्न के अंदर हस्बैंड का यंगर ब्रदर का यहाँ पे ब्लड भी आ गया यहाँ पे दांत भी आ गए किचन मशीनरी गुस्सा पावर इस सबके कारक ग्रह यहाँ पे मंगल को बताइए मंगल यहाँ पे लैंड का कारक ग्रह है जमीन का दुश्मनी का एनिमीज का स्ट्रेंथ ठीक का कारक ग्रह मंगल मंगल यहाँ पे करेक्टर का कारक इंपॉर्टेंटली देखा जाता है बेनुद्दी के अंदर करेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट हमारे जो अः बीमारी जो उत्पन्न होने वाली है अग्नि की वजह से जैसे वांट्स हो गए या कोई ब्लड प्रेशर समस्या या ठीक है और आठवें घर के अंदर जिनको घर के बारे में पता आठवें घर से जो बीमारी उत्पन्न होती है उनमें मंगल एक्सीडेंट्स गैस्ट्र गैस्ट्रोसिस प्रॉब्लम सर्जरी डेंटल प्रॉब्लम ये समस्याओं को मंगल से रिलेट करेंगे और जब हमने बात की सर्जरी वगैरह की तो इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग लिटर सर्विस को भी मंगल से रिलेट करते हैं ठीक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन एक कई लोग कहते हैं हम अपने इस कार्य में वी आर द पायनर हमने पहले सबसे पहले काम चालू किया तो डिटर्मिनेशन विद पायनरिंग इन टू दर्टिकुलर एक्टिविटी मंगल रिलेट करता है उसको ठीक है इसी तरह झील इसी का अनदर वर्ड लिटिगेशन इन सब चीजों को मंगल रिप्रेजेंट करता है मंगल के बाद गुरु गुरु यहाँ पे सेल्फ का कारक है विघ्नंदी नाड़ी के अंदर गुरु जो है सेल्फ का कारक है जीवात्मा जीव का कारक लाइफ सिग्निफिकेटर का कारक मार्गदर्शन गुरु का कारक गु, गुरु को बोलते हैं जुपिटर को बोलते हैं टीचर चर्बी, जजमेंटल होना पूजा टें सबको पता ही है सक्सेस ऑस्पिशियस दिक्कतों से समस्याओं से बाहर आने का तरीका या सॉल्यूशंस, सॉल्यूशन प्रोवाइडर सॉल्यूशन गिवर जीवन में प्रमोट होना प्रमोशंस बच्चे की उत्पत्ति नॉलेज वेल्थ विजडम तो सबको पता ही है। ट्रुथफुलनेस सच्चाई रिलीजियस मैटर्स गुरु डिप्लोमेट भी है समय के अनुसार बात करना डिप्लोमेसी गुरु एक प्रकार का ब्रिलियंस भी है क्योंकि इंटलेक्चुअल भी है गुरु जो है इंसान को मिनिस्ट्रियल स्किल्स प्रदान करता है लीडरशिप स्किल्स प्रदान करता है तो मिनिस्टर लीडर स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट ऑप्टिमिस्टिक विचारों वाला इसको गुरु रिप्रेजेंट करता है किताब का ज्ञान एस्ट्रोलॉजी भी आता है उसमें ठीक है हमारे ग्रैंडफादर गुरु हिट करता है इनको बुद्ध बुद्ध एजुकेशन इंटेलिजेंस इनका तो कारक है इंपॉर्टेंटली बुद्ध को हम बिग्रंडी में लव लवर लवर का कारक देखते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा जब हम बिग्रंडी करेंगे लव एंड लवर का कारक जो आज तक हम वैदिक में सिर्फ शुक्र को पकड़ते थे यहाँ पे बुद्ध को पकड़ते हैं मेल फीमेल के दोनों के केस में यानी कि मेल फीमेल फ्रेंड और लवर और लव इस को हम देखते हैं स्पीच लैंड एक यहाँ पे एडिशनल चीज आती है जिसको हम बुद्ध में रिलेट करते हैं बिजनेस में पता है स्टडीज रिलेटेड चीज में पता है मल्टीपल लैंग्वेज पे कंट्रोल ग्रामर कंट्रोल ग्रामर स्ट्रॉन्ग ग्रामर स्ट्रॉग स्पीच स्ट्रॉन्ग मैथमेटिकल स्किल्स हम यहाँ पे को, बुद्ध को हम पकड़ेंगे. बुक बुक्स बुक बेचने वाला व्यक्ति पब्लिशर ब्रोकर ठीक और एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस स्किल्स स्ट्रोंग टिकेट ठीक आ, इन सबको हम बुद्ध से रिलेट करेंगे कॉमर्स की एक्टिविटी ट्रेड एंड कॉमर्स ट्रेड एंड कॉमर्स के अंदर जितनी भी परिभाषाएं है आती हैं वो सारी बुद्ध को रिलेट करेंगे पे ट्रेड एंड एंड कॉमर्स में ठीक है ट्रेजरी अकाउंट्स उसमें हम जितनी भी परिभाषाएं है आती हैं उसमें हम बुद्ध को रिलेट करेंगे यहाँ पे किसी की बैकग्राउंड क्वेश्चन प्लीज तो नहीं? सर मेरा जी जीवनो जी विनोद जी अपार्ट जी जी पूछे आप सर मैं नया नया हूँ इस सब्जेक्ट में तो मैं जब पढ़ रहा था तो मुझे क्लास सिक्स में गाइड कर दे कहा पढ़ू कि जब ये ग्रहों की आधिपत्य स्थापित किए गए या दिए गए ये किस पैरामीटर पे दिए गए जैसे कि शुक्र को वृषभ और तुला की जो आधिपत्य दिया गया या गुरु को धनु और उसका दिया गया ये इसके पीछे को ग्राउंड था या कोई पैरामीटर थे

हम कवर कर लेंगे कभी चर्चा कर लेंगे बट किसी और क्लास में किसी टाइम पे किस कर लेंगे ठीक right, है ओके थैंक यू सो बुध हो गया सूर्य हो गया चंद्रमा हो गया मंगल हो गया बुध हो गया गुरु हो गया ये पांच ग्रह हो गए शुक्र शुक्र कारक ग्रह है वाइफ का शुक्र फीमेल नेटिव का धन का बड़े मकान का ब्यूटी का एल्डर सिस्टर इंपॉर्टेंट है यहाँ पे एल्डर सिस्टर बड़ी बहन बड़ी ब, बेटी डॉटर इन लॉ ये तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है एल्डर सिस्टर एल्डर डॉटर डॉटर इन लॉ ये तीनों को हम शुक्र में रिलेट करेंगे यहाँ पे बाकी बैटर एक्टिविटी मैरिज प्लेजर गाड़ी बंगला मकान इन सबको हम शुक्र में रिलेट करते हैं शुक्र यहाँ पे

बट जो कारक वैदिक है ना उसमें हमने यहाँ पे कुछ चीजें ऐड करी है जिसमें एल्डर सिस्टर एल्डर डॉटर और डॉटर इन लॉ ये तीन चीज ऐड कर लेना जो वैदिक से हटके थोड़ा सा मैं ऐड किया इसमें इंटॉक्सिफिकेशन का कारक भी शुक्र है ठीक यहाँ पे और और एक दो चीजें आएंगी जैसे मैं बता दूंगा आपको बाकी मैं आपको लिस्ट दूंगा उसमें काफी सारे कारक आएंगे और शुक्र के बाद हम लेट करते हैं शनि को शनि बहुत इंपॉर्टेंटली शनि को हम जब रिलेट करेंगे अच्छा शुक्र मैं यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहूंगा धन धन आता हुआ धन, जब हम देखेंगे ट्रांजिट को लगा के चार्ट के चार्ट अंदर शुक्र की बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका होगी जब हम शनि और शुक्र को इकट्ठा लगाएंगे तो शुक्र एक धन का कारक मैंने फाइनेंस बताया यहाँ पे तो जब इंसान को धन की प्राप्ति हो रही है तो इसमें शुक्र बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा नेटल चार्ट में ट्रांसिट के साथ कनेक्शन करते समय तो शुक्र को पकड़ के रखेंगे इसलिए क्योंकि आज की तारीख में वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट धन की आती है शनि की बात करेंगे तो शनि को बिगनंदी के अंदर प्रोफेशन का सर्वप्रथम काराग्रह माना गया शनि को ग... प्रोफेशन से रिलेटेड हर एक्टिविटी के लिए सर्वप्रथम काराग्रह माना गया जिसके अंदर गैमलिंग भी आती है से रिलेटेड सब्जेक्ट भी आते हैं और अच्छे जो नौकरी पेशा के सब्जेक्ट होते हैं वो सारे सब्जेक्ट भी आते हैं शनि को प्रीवियस लाइफ कर्म का कारक ग्रह माना गया विगणिंति में शनि को एल्डर ब्रदर का कारक ग्रह माना गया स्टोर रूम माइनिंग ये सब शनि के दायरे में यहाँ पे माने गए हैं बीमारी नुकसान एनिमीज लेजिनेस जीवन में ऑब्स्टेकल्स ट्रबल्स लाइला समस्याएं पावर्टी खर्चे या डेप्थ मतलब लोन या डेप्थ ठीक है फियर, नुकसान जेल या इंपेरिजमेंट लिमिटेशंस तरह तरह की डिस्प्यूट्स लॉ रिलेटेड इश्यूज, लॉ लीगल बाइंडिंग्स रिलेटेड इश्यूज उन सबको यहाँ पे हम शनि से रिलेट करेंगे इसमें शनि साथ में प्रोफेशन का कारक भी है तो एट द सेम टाइम शनि इन सब चीजों के कारक भी हैं और हर प्लेनेट अपनी अपने जब कॉम्बिनेशन क्रिएट करता है तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को क्रिएट करता हुआ चलता है अगर शनि ट्रांजिट में जब हम लगाएंगे एक साइड में हो सकता प्रोफेशन या धन प्रदान कर रहा हो साथ में उसके कनेक्टिविटी के साथ ये ट्रबल्स भी क्रिएट हो रही होंगी और कैसे होंगी हम पे लगा के देखेंगे इसको और में हम करेंगे इसे। एक है क्योंकि शनि का गोचर ढाई धा, साल का होता है और जहाँ शनि बैठेंगे में से साल तक जिन प्लान कंजेक्शन में लेके आ रहे हैं उनको ढाई साल तक उनको चलाएंगे और उसके साथ बनने वाली परिस्थितियां भी ढाई साल तक चलेंगी हमारे साथ तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए शनि के बाद आते हैं राहुल जस्ट मिनट सर स्पेकुलेशन को हम गैमलिंग में डालेंगे या उसे अलग से किसी जगह पे लिखा जाए शेयर मार्केट वगैरह आ आ रहा भी, आ रहा भी, अच्छा, अभी अभी तक सेटन में नहीं है।, है ये मतलब सेटन जो है कारक ग्रह है गैम्बलिंग के लिए अगर गैम्बलिंग जैसे गैम्बलिंग के लिए जब मैंने बोला तो एक तो गैम्बलिंग है इस प्रकार से कि जैसे सट्टा तो दो तरीके के कसीनो वाला वो अलग बात ना ये गैम्बलिंग नहीं है एक्चुअली शेयर मार्केट शेयर मार्केट इज ए प्रॉपर व्यवसाय है ये शेयर मार्केट प्रॉपर व्यवसाय है उस व्यवसाय के अंदर कुछ लोग कभी कभी काम करते हैं तो वो एक ऑल ऑफ सडन गेन कह सकते हो लॉटरी की तरह पे और कुछ लोग प्रोफेशन की तरह काम करते हैं इस शेयर मार्केट में तो प्रोफेशन की तरह काम किया हुआ शेयर मार्केट में काम वो प्रोफेशन का कारक है और कभी कभी पैसा लगाया उससे एक सडन गेन करने की चाहत प्राप्त करी वो एक गैमलिंग का पार्ट में जाएगा दोनों में डिफरेंस आएगा दोनों के इफेक्ट में डिफरेंस आएगा दोनों एक ही कारक में आ रहे हैं बट दोनों के इफेक्ट में डिफरेंस आएगा कैसा आएगा वो जब हम लगाएंगे तो आपको दिख जाएगा तो एज ए प्रोफेशन दिस स्पेकुलेशन का जो है तो वो सेटन के अंडर हो जाएगा ना फिर अगर हम शेयर मार्केट को एज ए प्रोफेशन की तरह ले रहे हैं जो उसमें एजेंट डील करते हैं तो उनके लिए प्रोफेशन हो, हो तो सेटन कारक होगा यस तो प्रोफेशन में आएगा तो प्रोफेशन में okay. आएगा बिल्कुल ठीक है वो ठीक है ओके okay. ठीक है हम राहु की बात करते हैं राहु जो है शैडो प्लेनेट है राहु जो है यहाँ पे अदर कास्ट को रिप्रेजेंट करता है अदर कास्ट को रिप्रेजेंटेशन राहु करेगा लाइक फॉर एग्जाम्पल जो लोग मुस्लिम होंगे उनके लिए अदर कास्ट जो होगी वो उनको रिप्रेजेंट करेगा जो लोग हिंदू होंगे उनके लिए जो मुस्लिम होंगे या सिख होंगे या अदर कास्ट जो होगी उसको राहु रिप्रेजेंट करेगा अदर सामने वाली कास्ट को अदर other कास्ट को अदर रिलीजन को राहु रिप्रेजेंट करता है बिगुनंदी के अंदर बिगुनंदी के अंदर राहु जो है ग्रैंडफादर का कारक क्या है फॉरेन ट्रेवल का कारक क्या समस्याओं का कारक क्या पेन सोरोज एक्सीडेंट करप्शन सीक्रेसी सीक्रेट एक्टिविटीज इन सबको राहु दर्शाएगा लिटिगेशन के इश्यूज इसी तरीके से एडवेंचर भी आएगा एविशन भी आएगा एस्ट्रोलॉजी भी आएगा ठीक है लिकर से रिलेटेड चीजें भी आएंगी इसमें बाहर की यात्राएं भी आएंगी गैम्बलिंग भी आए, आएगी इसमें राहु में भी गैम्बलिंग आएगी ठीक कैंसर कैंसरियस डिजीज बीमारियां इस तरह प्रकार की वो सब राहु को रिलेट करेगी यहाँ पे यहाँ पे जो हमने राहु को देखना था कि राहु जो है टाइम टाइम स्पेसिफिक एक्टिविटी दर्शाने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है राहु तो राहु को हम और थोड़ा पढ़ेंगे क्योंकि राहु बहुत इंपॉर्टेंट प्लान है विघ्नंदी के अंदर और आज के युग के अंदर भी राहु के बाद आएगा केतु केतु मेटरल ग्रैंड ग्रैंडफादर को दर्शाएगा ऑब्स्टेकल्स डिस्प्यूट केतु डिवाइन प्लैनेट है डिवाइन प्लैनेट होने की वजह से इसकी जो यात्रा वो मोक्ष की तरफ जाती है साल्वेशन की तरफ जाती है ठीक है ये डाउन करता है चीजों को राहु एक्सपेंड करता है राहु ऐसे फैलाता है एक्सपेंशन करता है केतु वापस स्विकोड़ता है केतु नैरोडाउन कर देता है चीजों को इकट्ठी करता है जब चीजें इकट्ठी होती हैं और आज के मेटलिस्टिक वर्ल्ड में इकट्ठी करी गई चीजों पे हमें दिक्कत होती है क्योंकि एवरीबडी वर्ड वॉन्ट्स एक्सपेंशन पैसे का एक्सपेंशन मेटेरियल सुख का एक्सपेंशन रिलेशनशिप का एक्सपेंशन हर चीज इंसान इस युग पे एक्सपेंड करना चाहता है केतु तो उसको वापस लेके आना चाहता है कि वापस आ जाओ डिवाइन में आओ सूक्षम हो जाओ बह उसकी तरह जाओ सॉल्वेशन की तरफ आओ हो ना ये कॉन्फ्लिक्ट स्टेट है इसीलिए केतु जब कनेक्ट करता है प्रोफेशन को तो प्रोफेशन को छोटा करता है दिक्कत पैदा करता है जब राहु करेगा उसके रिजल्ट अलग होंगे वो एक्सपेंशन भी कर सकता है धन फाड़ के वो राहु के अंदर आता है सडन गेन राहु की प्रवृत्ति में आता है ठीक तो केतु और राहु बहुत इंपॉर्टेंट यो, 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 योगदान प्रदान करते हैं विवनंदी में केतु चीजों को रोक देता है घटनाओं को घटने से वीक कर देता है प्लस उसका नुकसान होता है इंसान को मेटलिस्टिक वर्ल्ड मेंट फॉर डिवाइन कनेक्शन फॉर एस्ट्रोलॉजी फॉर रिलीजियस एक्टिविटीज फॉर स्पिरिचुअलिजम इज वेरी पावरफुल केतु सेम टाइम इज नॉट गुड फॉर एनिमीज एक्सीडेंट्स वॉन्ट्स ट्रबल ठीक है आ, -लाज, इन सब के लिए के, के लिए लिए केतु नहीं माना जाता। बहुत अच्छा है। सीक्रेट एक्टिविटी, सीक्रेट अंदर अंदर ही जो इंसान तप करते हैं सीक्रेट तप करते हैं उनके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग प्लान है केतु फिलोसफी के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग प्लानट है स्पिरिचुअलिज्म के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग प्लान है केतु साल्वेशन के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग है बट मेटलिस्टिक के केतु दिक्कत पैदा करता है इसीलिए केतु के जब हमने वो किए थे कारक किए थे अगर आप उसमें देखें केतु के कारक करते समय हमने किन किन प्लैनेट को नेगेटिव लिखा केतु के साथ शुक्र शनि बुद्ध इन तीनों को हमने नेगेटिव लिखा था केतु के साथ क्योंकि तीनों प्लैनेट जो है एक्सपेंशन के हैं मेटलिस्टिक वर्ल्ड में शुक्र एक्सपेंशन चाहिए हर एक को बुध का काम धंधे व्यवसाय में एक्सपेंशन चाहिए शनि काम धंधे व्यवसाय में हर एक को एक्सपेंशन चाहिए जो मेटोलिस्टिक वर्ल्ड की चीज है उसको कनेक्ट नहीं करता आपने पे कई लोगों को देखा होगा लोग बोलते केतु इज ब्लॉकिंग बट हाउ केतु डिवाइन प्लैनेट है वो नेरोडोन करता है सूक्ष्मता में लेके आता तो चीजों को ब्लॉक कर देता है दैट्स अ ब्लॉकिंग प्लैनेट ये थे हमारे नौ प्लैनेट और नौ प्लैनेट के कारक तत्व होप दिस इज ऑल क्लियर टू यू ये क्वेश्चन प्लीज आज के लिए सो so, जो लोग फर्स्ट टाइम हैं यहाँ पे आर टी बर्थ वीडियो सर आपका नाम क्या है अपना वीडियो ऑन करें जी मैडम गुड टू सी यू सर आपका नाम बताएं रिचा दोलकिया सर आई वांट एबल टू राइट द नोट्स ऑफ द टुडेस लेक्चर सो व्हेन आई विल गेट द रिकॉर्डिंग ऑफ दिस लेक्चर आपको रिकॉर्डिंग कर मिल जाएगी इस लेक्चर okay. की जो okay. मैंने कारक बताए हैं आपको वो okay. आपको कारक रिटर्न में आ जाएंगे परसों तक okay. आ जाएंगे आपके पास okay. जो मैंने एक चार्ट लिखवाया है आपको वो चार्ट आई रिक्वेस्ट somebody टू शेयर ऑन द ग्रुप ठीक है जी

लेकिन हम भावों को कनेक्ट करेंगे और हम सारे भावों को कनेक्ट कर लेंगे जब हम प्रोडिक्शन के पार्ट पे आएंगे तो भाव इज प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट सो बिग्रुद्धी में आमतौर तो पे लोग प्लैनेट के कंजक्शन पे ही प्रशन देते हैं बट वी विल एड एडिशनली भाव क्योंकि भाव इम्पोर्टेंट है And how about जब भाव इनका और... क्या राशि को कनेक्ट राशि का भी इंपॉर्टेंट रोल होता है लेकिन राशि को जब आप कनेक्ट करोगे तो वो नाडी एस्ट्रोलॉजी बनती है इज गुड लाइक केपी तो वो पार्ट okay. इसका नहीं होता वो उसकी प्रश्न ऐसे नहीं होती एस्ट्रोलॉजी केपी जो है एक्सटेंडेड आर्म ऑफ नाड़ी एस्ट्रोलॉजी केपी इज एक्सटेंडेड आर्म ऑफ नाड़ी एस्ट्रोलॉजी एंड कस्पल एक्सटेंडेड आर्म ऑफ केपी

एक एक प्लान को पकड़ेंगे उसकी युतियों की जो गणना है वो करेंगे जैसे गुरु चंद्रमा मिल गए तो क्या रिजल्ट देंगे गुरु सूर्य मिल गए तो क्या रिजल्ट देंगे गुरु मंगल मिल गए तो क्या रिजल्ट देंगे इस तरीके से एक एक प्लांट को पकड़ेंगे और उसके ऊपर काम करेंगे अब और तब आप अपनी अपनी कुंडियां लेके बैठना और तब आप अपनी कुंडलियों को लगा के रखना मेरी आप सबसे गुजारिश ये होगी अगले क्लास से पहले अपना अपना चार्ट और उसमें ट्रांजिट बना के रखना ट्रांजिट मैंने आपको दिखाया डीवन चार्ट बनाना अंदर में और उसके बाहर में आज का ट्रांजिट ट्रांसिट बना दो तो आपको पता चल जाएगा इस समय में ट्रांजिट कौन सा आपके से से जा रहा है गोचर कर रहा है तो आपको क्लियर नजर आएगा जब वो नजर आएगा तो आप जो जब मैं सेंटेंस बोलूंगा ना उसको लगा पाएंगे और ज्यादा करना चाहते हैं तो एक और तरीका बताता हूं अभी चल रहा है दो हजार तेईस राइट शनि का गोचर अभी अभी चेंज हुआ राइट right? जनवरी में आप जनवरी में चेंज हुआ अभी उससे पहला वाला गोचर पकड़ के चल रहा दस वाला क्योंकि वो आपके साथ घट चुका है राइट right? और गुरु का गोचर भी चेंज हुआ अभी तो गुरु का भी एक पीछे ले जाना गुरु का भी गुरु का कुंभ में ले आना राइट शनि का मकर में मकर में मकर में ले आना और उसके साथ आप अपनी कुंडली को बना के रखना क्योंकि वो आपका पास्ट है वो आपका बीत चुका तो आपको नजर आएगा वो तो आप उसको रिलेट कर पाएंगे तो जो लोग बना पाएंगे वो लोग साथ साथ याद कर पाएंगे कोई रेक्टिफिकेशन नहीं है कंसेप्ट था कंसेप्ट क्लियर हो गया तो बल्ले बल्ले सर that's एक क्वेश्चन और बस जो आज आपने ये बीएनएन में बताया कि एक तो साथ में बैठे हुए प्लानिट युति करते हैं एक उसके प्लानिट के दूसरा और प्लानिट के बारहवें भाव में वो हो जाता है और एक सेवेंथ में तो ये तीन इक्वल हो जाते हैं कि साथ में बैठे जितने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं या फिर साथ में बैठा वाला नंबर वन के उसपे है साइड वाले जो है सेकंड पे है और सेवंथ एस्पेक्ट थर्ड पे है ऐसा कुछ है या एक इक्वलेंट है ये तीनों विच मीस इकट्ठे यहाँ पे भी पोजिशन एंड एस्पेक्ट नहीं मैं बता रहा हूँ प्लांट सबसे पावरफुल होते हैं दूसरे नंबर प्लैनेट बैठा वो पावरफुल होता है followed by ट्राइन में आए प्लैनेट प्लैनेट पावरफुल पावरफुल होते हैं। अपोजिट बैठा आता है। एंड ट्वेल्थ वाला आता है। 12th वाला सबसे पीछे सबसे पावरफुल आता है पावरफुल सेकंड हाउस मैं दो आपको रूल बताता हूँ सिंपल रूल बताता हूँ जिन लोगों को भावत भावम नियम पता है उसको कर लो, अपने अपने से से दूसरा धन और मेक सेंस? भावत भाव किस किस को आता है एक दो तीन चार अरे वाह विनोद जी आपका तो बहुत कुछ आता है, भावत भाव आता है आपका तो आप ऐसे ही बोल रहे हो कुछ कुछ आता है आपका तो बहुत कुछ आता नहीं। है, नहीं। नहीं। है नहीं। नहीं। तो भावत भाव नियम सिंपल कहता है पीछे भी पढ़ा जी, जी। वक्री ग्रह को किस तरह देखेंगे इसमें अगर वक्री ग्रह करेंगे वो प्रोग्रेशन में करेंगे वो बहुत डिफरेंट आएगा प्रोग्रेशन में वक्री ग्रह की पूरी प्रोग्रेशन चेंज हो जाती है नहीं बट अभी इसी केस में दृष्टि हम जो हम ट्राइन बना रहे हैं उसको उसी हाउस में कर एक, एक स्टेप पीछे कर ही करेंगे पे, अभी के लिए पीछे नहीं कर रहे हैं वक्री ग्रह जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वक्री ग्रह का आएगा चैप्टर वक्री ग्रह का चैप्टर अलग से आएगा वो इंपॉर्टेंट है अच्छा, मेरी कुंडली में मैक्सिम ग्रह कोई बात नहीं ज्यादा वक्री ग्रह होना या एक टिप देता हूँ ज्यादा वक्री ग्रह होना एक कार्मिक कुंडली दर्शाती है कि पास डीट्स पेंडेंसी बहुत आ रही है थी? तो जो ग्रह वक्री है और जो प्ले कर रहा है रोल उस ग्रह के कार्य करें ताकि पास डीट्स क्लोज हो सके एक टिप दी है ठीक है जी रीता जी सर इसमें आप हर्षल नेपच्यून प्लूटो को भी कंसिडर करेंगे जी नहीं No नौ आते इसमें हम नहीं करेंगे नहीं करेंगे ठीक अच्छा। है जी जी आज का सब्जेक्ट किसी को नहीं मजा आया वो बोले तो मैं आई विल ट्राई टू इम्प्रूव फर्दर उनके मजे के लिए किसी को नहीं अच्छा लगाओ और किसी को लगाओ कि क्लैरिटी नहीं आई है नहीं समझ में आया या कोई कमी रह गई है तो प्लीज गिव फीडबैक बहुत सारे नए लोग आए इसलिए

पिछला मैं गैप कवर कर दूँगा कोई बुक से रेफरेंस कर सकते हो बिगरणदी की बुक की अभी अवस्था नहीं है पहले आप मैं थोड़ी क्लास कर लेता हूँ उसके बाद बुक आपको शेयर कर दूँगा बिगरणदी की आप सबको मैं बिगरणदी की जो मेरे पास एक पीडीएफ फाइल में बुक है वो मैं शेयर कर दूँगा ठीक है जी राइट थैंक यू सो अच्छी क्लास बंद करें यहां पे अच्छी क्लास किसी का कोई क्वेश्चन कोई डाउट

डिजाइन किया था थोड़ा, तो कि थोड़ा, थोड़ा लेट हो सके क्योंकि ऐसा है ना एस टाइम ओपीडी होती है सर तो फिर पेशेंट की डिस्टरबेंस होती है वो समझ नहीं लगता बस तो रिक्वेस्ट है सर देख लेना बाकी आप देख तो तो जैसे तो आपको सर उनका ट्रांसिट चार्ट देख लेना पेशेंट का ज्ञान होगा ना उनका बोला <laughs> उनका बोला अभी आपका शरीर अभी आपका राहु गोचर में आ रहा है सजी अच्छी नहीं होगी वेट करो <laughs> yeah, चलिए देखते हैं आगे अब देख लेना थैंक यू जैसा आपको थैंक यू थैंक यू सर गुड नाइट थैंक यू थैंक यू